हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? भाई फाइनली इटली आ चुका है यार, बहुत एक्साइटमेंट है। मिलान का मौसम ऐसा गार्डन हो रहा है, सही है। और आज हम आए हैं पॉलीटेक्निको डी मिलान लियोनार्डो कैंपस में। भाई इटली की नंबर वन यूनिवर्सिटी है भाई, यहाँ पे आना तो लोगों का ख्वाब होता है, इवन इटालियंस का ही ख्वाब होता है कि यार पॉलीटेक्निको में पढ़े। खैर अभी इसके एडमिशन भी ओपन है और बाकी जो है ना सेप्टेम्बर इनटेक भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा बताएं आपको कि क्या प्रोसेस है सारा। खैर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और ये जो इटली की ये यूनिवर्सिटी है भाई, ये इसका आर्किटेक्चर 7वें नंबर पे आता है और इंजीनियरिंग 12वें नंबर पे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब मैं इस वीडियो के अंदर इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको प्री इनरोलमेंट करनी है वीज़ा वगैरह, और यहाँ कैसे पहुँचना है आपको इटली के अंदर। अच्छा जी, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, बोलोगना, पिस्पेंदिया, पॉलीटेक्निको, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप गूगल जाएं, सर्च करें, सब जगह आपको आईडी बनानी पड़ेगी, लॉगिन करें आप वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, आइट्स चाहिए आपको। अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइट्स मांगती हैं और वीज़ा में भी एडवांटेज मिलता है, तो आप आइट्स दे दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा और क्या चाहिए? रिकमेंडेशन लेटर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, पासपोर्ट अपना बनवा के रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अपलोड करेंगे आपका, अगर एडमिशन आ जाता है तो उसके बाद आपको करनी है प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी से जाके। अच्छा, कैसे प्री इनरोलमेंट करनी है आपको, ये सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ पहले से, आप वो देख सकते हैं। प्री इनरोलमेंट आप एक ही बार कर सकते हैं और जो आपके पासपोर्ट पर इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से आप ये कीजिएगा, क्योंकि जो है वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपका 4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आया हुआ या 5 में या 2 में, तो आपको सिर्फ एक ही करनी है जहाँ पर आपको जाना है, वो उसी की प्री इनरोलमेंट करनी होगी। प्री इनरोलमेंट हो गई, फिर आप जो है ना जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो प्री इनरोलमेंट के बाद आपको खुद अपॉइंटमेंट देती है, खुद आपको ईमेल करके बुलाएगी, और कराची कॉन्सुलेट जो लाइक सिंध और बलोचिस्तान वाले कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई करते हैं, और जो सरहद वाले और पंजाब वाले हैं वो इस्लामाबाद से अप्लाई करते हैं। और जो कराची कॉन्सुलेट में आपको खुद अपॉइंटमेंट लेना होता है VFS ग्लोबल से, कैसे लेना है अपॉइंटमेंट सारी वीडियोस बनाई हैं भाई, पूरी प्लेलिस्ट देख लो जाके, सही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो ये सीन है, आपने जो है ना अपॉइंटमेंट ले लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे, अब आपको जाना है भाई अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसकी कुछ फ़ीस है सारी, वो सारी मैं बता चुका हूँ पहले। जब आप फिर आपका वीज़ा इंशाल्लाह आ जाएगा, 1-2 महीने में वीज़ा आ जाता है, DOV आती है, जब आपका ये आ जाए तो आप टिकट लेके इटली पहुँच जाएँ, तो इतना कोई खास इशू नहीं है। अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, कोई सवाल है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना जो है ना पर्सनल डिटेल्स दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करें मुझसे। और इसके अलावा ये है कि भाई इटली आओ, बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान से निकलो, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा कि भाई दुनिया देखो, आके इन्जॉय करो जैसे ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। दिखाओ यार भाई, ये देख रहे हैं आप, तो ये सीन है। तो फिर मिलते हैं आई थिंक अगली वीडियो में, सही है भाई। इधर लाओ, वीडियो ख़त्म करो भाई, अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।